हेलो दोस्तों, लाइव वर्ल्ड में एक बार से फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करेंगे जिसके ज़रिए हम किसी भी बिजनेस कार्ड को उसको स्कैन करके अपने मोबाइल में या अपने गूगल ड्राइव में आसानी से रख सकते हैं, उसको सेव कर लेंगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर होता ये है कि आज के इस दौर में लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को बिजनेस कार्ड देते हैं या अपना एड्रेस कार्ड देते हैं जिसके ज़रिए हम किसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिस पे बाकायदा आपकी उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसका एड्रेस पूरा होता है। तो ऐसे इस कार्ड को हम रखे रहते हैं और कभी ज़रूरत पड़ती है तो उससे कार्ड के ज़रिए हम उस व्यक्ति या उस आदमी से हम कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। तो इस टाइम अगर आप प्रोफेशनल हैं, कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें आपसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो आपके पास कार्ड रखने के लिए अलग से केस लेना पड़ता है। जैसे फ़ोटो रखने के लिए उसको अलग से केस लेना पड़ता है, फ़ोटो बहुत सारे होते हैं तो उसको एल्बम बनाना पड़ता है। उसी तरह कार्ड को भी रखने के लिए उसका अलग से केस आता है, उसका एल्बम आता है, उसमें कार्ड को लोग बाकायदा रखते हैं, कंपनी के कार्ड होते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक CamCard नाम का एक एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने किसी भी कार्ड को अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में या अपने गूगल ड्राइव में आसानी से रख सकते हैं और उसका वक्तन फ़ोक्तन यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है जो मोबाइल में है। हम आगे कुछ ही मिनट के बाद हम इसको स्टार्ट करके इस पर काम करना सीखेंगे कि इस पर कैसे काम किया जाए और कैसे इसको यूज़ किया जाए। और मेरे ये बहुत सारे वीडियो मोबाइल के एप्लीकेशन से है कि कैसे अपना बैकग्राउंड फ़ोटो का चेंज करें और कैसे फेसबुक पे बहुत सारे लाइक पा सकें। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिसको ये बारी बारी उसके थंबनेल्स आ रहे हैं, आप मैं इसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से मेरे इस अदर वीडियो को भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन को। ये है वो एप्लीकेशन जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, CamCard। इसको हम आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने इसे ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है। आप इसे चाहें तो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, या डायरेक्ट गूगल से सर्च करके इसकी वेबसाइट पर जाइए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो CamCard को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो डबल सी दिया है ये बीच मिडिल वाला, यही आपका CamCard है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसी कार्ड को कैसे स्कैन करके अपने मोबाइल या गूगल ड्राइव में कैसे रखते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये हमारे सामने जो इसका लाइट वर्जन ओपन हुआ है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको अपग्रेड करने पे बात नहीं करेंगे और हम यहाँ से इसके यूज़ के बारे में कि कैसे इसको यूज़ किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बीच में लिखा, यू डोंट हैव एनी कॉन्टेक्ट येट, स्टार्ट टू स्कैन ऑल योर बिजनेस कार्ड इनटू CamCard। नीचे आपके ये जो ऑप्शन आ रहे हैं कॉल कार्ड होल्डर, यहाँ पे क्लिक कर नीचे मैसेज और बीच में जो आपका ऑप्शन है कैमरे का निशान बना है, यहीं से हम इस पर क्लिक करके अपने कार्ड को स्कैन करेंगे। तीसरा आपका एक्सचेंज, यहाँ से आप जो एक्सचेंज कर सकते हैं कार्ड को, अपना कार्ड दे सकते हैं, अपना दूसरे कार्ड ले सकते हैं। कार्ड रीडर, ऑटो फाइंड पीपल नियर बाय, प्रोफाइल में जाके आप अपने देख सकते हैं कि माई कार्ड, आपके पास कितने कार्ड हैं। यहाँ से मल्टीमीडिया में जाके इसको, फेसबुक है, गूगल है, फिर सोशल मीडिया है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। वेरीफाई माई कार्ड, यहाँ से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जब आपका नेटवर्क रहेगा। सेंड माई कार्ड, माई अकाउंट, यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने सब को इसको ऑलरेडी बना लिया है। तो यहाँ से हम
शुरू करते हैं कि कैसे किसी कार्ड को अब स्कैन करके मोबाइल में रखा जाए। तो यहाँ जो कैमरे का निशान है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कैमरा जो होता है मोबाइल का वो ओपन हो जाएगा। कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक कार्ड होता है कि एक तरफ आपका एड्रेस होता है, नेम होता है, और एक कार्ड होता है कि दूसरी तरफ भी होता है। और इसमें जो ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ नीचे ऐसा है वन साइड का है, और नीचे जो करेंगे तो वो बैच मोड में हो जाएगा, यानी दोनों तरफ रहेगा तब इसका यूज़ होगा। तो फिलहाल ये वन साइड का है तो हम इसको वन साइड में क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम इसको फ्लश की लाइट दिया है, यहाँ से हम फ्लश को ऑटो कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो हम ऑटो पे क्लिक कर रहे हैं, ऐसे कार्ड को बीच में रखेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब आपका कार्ड ये वाइट कलर का है तो आपका ये जो बैकग्राउंड है इसको ब्लैक कलर या मतलब इसके अपोजिट कलर इन्वर्ट कलर रखिएगा ताकि आपके कार्ड को अच्छे से स्कैन कर सके। तो मैंने इसको दूसरा डीप कलर रखा है ब्लैक कलर में, तो इसको ऐसे मिडिल में रख के आपको क्या करना है इसका एक फ़ोटो ले लेना है। तो मैं फ़िलहाल इसको क्लिक, हाँ ठीक आ रहा है, यहाँ से कैमरे के निशान पे इसको मिडिल में रख के क्लिक करेंगे। मिडिल जैसे क्लिक करेंगे एक फ़ोटो लेगा और उसको ऑटोमेटिक इसका रिसाइज करेगा और इसको जो सिर्फ जो कार्ड होता है उसी को लेगा और आपका बाकी बैकग्राउंड को काट देगा। देखिए आपका पूरा कार्ड आपके मोबाइल में आ गया। अब इसको कहीं से भी, ये नीचे मोबाइल नंबर दे रहा है, जहाँ अगर मान लीजिए ये वर्क एरिया दे रहा है, एड्रेस दे रहा है, कंपनी में दे रहा है। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से लिया, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं पहले इस पर ये नेम कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो दिखाएगा कि मैं इसको यहाँ से लिया गया है, ये यहाँ से उठा लिया है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे इस फॉन्ट को इसने ऐसे, इस बंदे ने ऐसे लिखा है, इस जो इसने भी ये कार्ड बनाया होगा, कि वो इसको स्कैन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे दूसरी जगह से ले लेता है। तो हम इसको अगर ये सिंपल इसमें लिया होता बना होता कार्ड तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम नीचे एडिट करेंगे टू एंड ट्रेवल, ट्रेवल यस टू एंड ट्रेवल। और यहाँ से देख लीजिए मोबाइल नंबर ठीक है, यहाँ का लिया है ठीक है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये कहाँ से लिया है, ठीक लिया है ईमेल आईडी, वर्किंग एरिया कंपनी ये यहाँ से ले लिया, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, ज़रूरत नहीं है कंपनी की। यहाँ से देखिए एड्रेस कहाँ से लिया है, यहाँ से एड्रेस है मुनीर कम्प्लेक्स, यहाँ से नीचे जो दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे जी, ये सब इसको काट सकते हैं, यहाँ से ऐसे एड्रेस हो गया। सिटी अगर आ गई है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो यहाँ से हम सिटी में एडिट कर सकते हैं, पासपोर्ट में यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से इसको ग्रुप बना सकते हैं, जिसे यहाँ से दिया होगा अनग्रुप्ड, अब यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कई टूर एंड ट्रेवल्स के कार्ड हैं और जहाँ से आप टिकट लेते हैं, तो यहाँ से आप एक ग्रुप बना लीजिए सिंपल सा क्रिएट करके कि टूर ट्रेवल ग्रुप, और उस ग्रुप में इसको सेव कर लीजिए, इसको ढूंढने में आसानी होगी। तो फिलहाल हम इसको ग्रुप नहीं बनाएंगे, वो आप करके देख लीजिएगा। मान लीजिए कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ऐड फील्ड करके यहाँ से दे रहा है, ये आप इवेंट है, निकनेम है, वेबसाइट है, इंस्टेंट मैसेज है, इसको आप जोड़ सकते हैं इसमें। अगर कोई इसकी अदर साइड है तो यहाँ से ऐड अदर साइड पर क्लिक करके उसका दूसरा पिक्चर भी ले सकते हैं, और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसका कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई फ़ोटो उठा के लगा दूँ, मान लीजिए इसी को लगा दूँ, क्रॉप पिक्चर, ये मेरा ही पिक्चर है, हालांकि उस बंदे का नहीं है, यहाँ से सेव कर लिया,
देखिए ऐसे आ गया। यहाँ से जो आप ऊपर सेव का निशान है इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सेव हो रहा है। देखिए यहाँ से, हाँ अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे जितने कार्ड रहेंगे ये सब आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से मल्टीमीडिया भी क्लिक करके है, मल्टीमीडिया यहाँ से नहीं है। अब यहाँ से इसको कॉल करना है इस बंदे को, तो यहाँ पे जो रिसीवर बना है इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कॉल के ऑप्शन आ जाएंगे। हम यहाँ से क्लिक करके इसको कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से जो मैसेज का ऑप्शन बना है, यहाँ से मैसेज बॉक्स पर क्लिक करके मैसेज के जितने ऑप्शन हैं, व्हाट्सएप है, मैसेंजिंग है, हैंगआउट, मैसेंजर, स्काइप, इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ईमेल आईडी इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारे साथ जीमेल ईमेल जो भी रहेगा ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसका जो एड्रेस है यहाँ पर लोकेट करके इसको देख सकते हैं मैप पर कि ये कहाँ पर है। तो दूसरा एक कार्ड होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कैसे उसको डबल बैच मोड में रहेगा तो कैसे यूज़ करेंगे। तो मेरे पास इत्तेफाक से है ऐसा कार्ड जो बैच मोड का भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो वही तरीका है, इस कैमरे पे जो निशान है इस पर सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे और कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने ये इमेज गेस्ट हाउस का है, ये चेन्नई का है, तो इसको भी ऐसे मूड में कर लीजिए और इसमें लाइट ऑफ कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अगर देखिए लाइट ऑन है तो इस पर स्कैन करके देखिए ये लाइटिंग आ रही है बीच में ऐसे। तो जब ये ऑफ, ये दोनों तरफ है, इस लाइट को ऑफ कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि अब ऐसे खींचेंगे तो उसकी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा ऐसे। ओके हो गया। अब क्या करना है हमको, ऐड अदर साइड, यहाँ पे लास्ट है ऐड अदर साइड, टेक फोटो यहाँ से, फिर दूसरी साइड का ले लेंगे इसका। लाइट है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेन जो एड्रेस होता है उधर होता है। देखिए बीच में आ रहा है, बीच में लाइट आ रही है। डन, सेम वही है तरीका, बस इसको आपको ऐड करना है। अगर इसको चाहते हैं शुरू में इसको बैच बना दें तो इसको शुरू में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ये दाएं तरफ आपके, इस पर सिंगल मोड में इसको बैच मोड में कर लीजिए। ये बैच मोड में हो गया और इसका जो पहला ये है इसको ले लीजिए, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको लाइट को ऑफ ही करें, दोनों तरफ अब ऑफ ही करके खींचेंगे। यहाँ से कैप्चर बैक साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इसका बैक साइड लेंगे। हो गया, यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद ये देखिए ऊपर द्वारा अननोन, अननोन पे जैसे क्लिक करेंगे अब ये ऑटोमेटिक इसको ले लिया। इसको इसे क्लिक करके इस पर एडिट करेंगे, इमेज हाउस वो ऐसा फॉन्ट दिया गया है कि इसको लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको यहाँ से आप क्लिक करके इसको गेस्ट हाउस कर लीजिए, इजी है, हो गया। नीचे एड्रेस ठीक, वर्किंग एरिया ये ऑटोमेटिक लिया है, इस पर क्लिक करके देखिए इसको ले रहा है, तो इसको काट दीजिए। इसमें वर्किंग एरिया को इसमें नहीं देना खाना है क्योंकि गेस्ट हाउस का है, बाकी सब सही है। तो क्या करना है आपको,
यहां से ऊपर जो ऑप्शन है सेव का, सेव पे क्लिक करेंगे, योर ये हो गया सेव, कॉन्टैक्ट सेव यहां पे ऊपर दे रहा है, जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे सामने आपका ओपन हो जाएगा। यहां पर इसके बारे में कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो नोट लिख लीजिए। अब जो बात कर रहे थे कि कैसे इसको कार्ड को अपने ड्राइव में कैसे रखें गूगल ड्राइव में, तो यहां से इसको क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहां से शेयर कर लीजिए ड्राइव, सेव टू ड्राइव, यहां से सेव ड्राइव कर सकते हैं, यहां से किसी को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, शेयर इट कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने ड्राइव में रख लीजिए, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, आप अपने ड्राइव को एक्सेस करेंगे, जैसे ही अपनी ईमेल आईडी यूज़ करेंगे, ये जितने आपके कॉन्टेक्ट हैं आपके सामने आ जाएंगे। मोबाइल में रहेगा, हो सकता है मोबाइल आपका गुम हो जाए या आप दूसरा मोबाइल लें, तो बेहतर यही होता है कि जितने भी कॉन्टेक्ट होते हैं या ऐसे इस तरीके के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, उसको अपने ड्राइव में सेव कर लेना चाहिए, तो हम उसको बाद में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो देखते रहिए लाइव वर्ड और दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।